हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ओट्स का चीला। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पैन में 1 कप ओट्स ले लिया है और अब हम इसे हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसे भूनेंगे 1.5 से 1 मिनट तक। इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम एक बर्तन में पलट देंगे। इसे ठंडा होने देंगे। ओट्स हमारा ठंडा हो गया। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये देखिए यहाँ पर मैंने घी लिया है, इसे ग्राइंड कर लिया है। हरा धनिया, ग्रीन चिली, ये अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे आप। अनियन, हल्दी, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, जीरा पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारा बैटर कितना बढ़िया बन गया है। देखिए हमारा बैटर कितना बढ़िया से तैयार हो गया। आइए शुरू करते हैं बनाना। पैन हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसे ग्रीस कर लेंगे। मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। अब हम इसमें लेंगे बैटर। बहुत ही हल्के हाथों से हम फैलाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम इसमें। इसे देखिए ये क्रिस्पी हो गया। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस साइड से भी हम इसे ऐसे ही क्रिस्पी होने देंगे। दोनों साइड से अच्छे से बन गया। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा हमारा ओट की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है।